सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का जो फॉर्म है उसको आप किस प्रकार से भर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से घर बैठे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे किसान मजदूर भाई जो इसका फॉर्म को फिलअप कर लिए हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उन लोगों का बहुत सारे मेरे वीडियो में कॉमेंट आ रहा है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कितने दिन बाद आएगा। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि इसका जो फॉर्म है वो फिलअप कर लिए हैं लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं, तो क्या मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पेमेंट नहीं करने के कारण नहीं आ रहा है, या फिर इसका जो पेमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जितने भी डाउट है, जितने भी प्रॉब्लम है, आज के इसमें आप लोगों को सब कुछ बताने वाला है, समझाने वाला है। तो उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन कर लीजिए। बाकी चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी किसान मजदूर भाई जो पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म में ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पर रखा हूँ। आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख करके और आप अपने घर बैठे बिल्कुल फ्री में बिना पेमेंट किए इसका जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात की आप लोग का जो फॉर्म है वो फॉर्म भरने के बाद, अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं और फॉर्म को भरने के साथ साथ आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट के ऑप्शन पर आने के बाद आपका जो टाइमिंग चलता है वो टाइमिंग खत्म होने दिए। आप अगर पेमेंट नहीं किए और आपको जो टाइम है वो खत्म हो गया, टाइम आउट हो गया, तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी किसान मजदूर भाई जो पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है वहां पर जाकर के और टाइम आउट होने दिए, यानी टाइम आउट तक अपना पेमेंट को नहीं किए, तो आपका जो पेमेंट है वो एप्रोटेज में चला जाता है। तो इसके बाद आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका पेमेंट एप्रोटेज में चल जाता है, यानी पेमेंट के ऑप्शन पर जाने के बाद आपका पेमेंट नहीं होता है, टाइम आउट हो जाता है, या फिर आप पेमेंट नहीं करते हैं और आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो एप्रोट में चल जाता है, तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हार्डली 24 से 48 घंटा बाद आप लोग का जो पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाता है। अगर आप लोग को 24 से 48 घंटा बाद रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है, तो हार्डली आप लोग का 1 से 2 सप्ताह के बीच आप लोग का जो पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का फॉर्म फिलअप करते टाइम पेमेंट नहीं किए तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग का पेमेंट स्टेटस एप्रोटेज बना रहा है, यानी जब आप लोग का टाइमिंग चलता है तो वो उस टाइम में आप पेमेंट नहीं किए, आप लोग का जो टाइम है वो टाइम आउट हो गया और आपका पेमेंट नहीं हुआ, तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 24 से 48 घंटा या फिर 1 से 2 हफ्ता के बीच आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल ही जाएगा। अब दोस्तों रही बात की बहुत सारे किसान मजदूर भाई कमेंट कर रहे हैं कि मैं पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का फॉर्म फिलअप कर लिया हूँ, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ जो पेमेंट का ऑप्शन है वो वहां पर फेल्योर हो गया है, मेरा पेमेंट नहीं हुआ, मैं अपना स्टेटस को चेक कर रहा हूँ तो मेरा जो पेमेंट स्टेटस है वो फेल्योर बता रहा है, तो क्या मेरा जो पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, जितने भी किसान मजदूर भाई जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे और उनका जो पेमेंट स्टेटस है वो फेल्योर हो गया है, यानी पेमेंट उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको लेकर के जितने भी उस तरह से स्टेटस है पेमेंट फेल्योर का, तो उन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हार्डली 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग का जो पेमेंट फेल्योर हो गया तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का अगर पेमेंट फेल्योर भी हो गया तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आना रहेगा, तो हार्डली 20 से 30 दिन के अंदर में आप लोग का जो पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, आप लोगों को इस वीडियो में यही सब कुछ बताने वाला था ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि आप लोगों का जो पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों का कितने दिन में आएगा, पेमेंट किए बिना आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप लोग फॉर्म भरते टाइम पेमेंट नहीं भी करते हैं तो भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, अगर आप लोगों का पेमेंट फेल्योर हो जाता है तो भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना रहेगा, तो मिलेगा, भले ही उसमें टाइम लग सकता है 20 से 30 दिन, लेकिन आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल ही जाएगा। इसको लेकर के आप लोग डाउट में रहे हैं, कंफ्यूजन में न रहे हैं, अगर आप लोग फॉर्म को भर रहे हैं तो आप लोग निर्धकर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं और आपका बाई चांस पेमेंट जो है फॉलोर हो जाता है, या फिर आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं और आप अपना पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का
स्टेटस को चेक कर जाते हैं क्या जो स्टेटस है वो क्या है, तो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना करके और अपने चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख करके और आप अपना पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा आप उस वीडियो को देख करके और आप अपने घर बैठे जिस फोन से इस वीडियो को देख रहे हैं इसी फोन से आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, फोन को फिलअप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इस रूम में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी JLS Chaudhary को आकर के और वहां फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई करने का, आपका पर्सनली मैसेज का रिप्लाई करने का। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।